तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप लोगों का स्कॉलरशिप का फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट फिलअप हो चुका है एंड उसके बाद आप लोगों ने अपने फॉर्म को कॉलेज में सबमिट कर दिया है, तो उसके बाद जो स्टेटस चेक होता है स्कॉलरशिप का वो कैसे होगा, अभी के टाइम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप लोग भी अपनी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जो कि है दोस्तों सबसे पहला रजिस्ट्रेशन नंबर। आपकी स्कॉलरशिप का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको पता होना ज़रूरी है, उसके बिना आपको स्टेटस देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंड थिंग, आपको डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए जो कि आपके फॉर्म में पड़ी थी। और तीसरी चीज़ आपका अपना पासवर्ड, ठीक है। अगर पासवर्ड नहीं भी पता है तो फॉरवर्ड कर लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पता होना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो आपको क्या करना है, अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र में ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है upscholarship.government.in, ठीक है। एंड आपको फर्स्ट वेबसाइट ओपन कर लेनी है। तो ये वेबसाइट पर आ जाएंगे आप लोग, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको 2021 का एक दिख रहा है एंड नीचे जो है 19, 20, 18, मतलब लास्ट ईयर जो भी हैं पिछले 3-4 सालों का स्टेटस देखने को मिल रहा है, लेकिन इस ईयर का नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, यहाँ पर से आपको इधर देख सकते हैं स्टूडेंट लिखकर आ रहा है, तो आपको सिंपली स्टूडेंट पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मान लेते हैं अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, यानी कि 9th में हैं या 11th में हैं, या बी ए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, तो आप लोग फ्रेश लॉगिन कर सकते हैं फ्रेश सर्वर से, ठीक है। एंड अगर आप लोग सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं तो आपको डिनेबल में लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्री मैट्रिक स्टूडेंट जो होते हैं वो तो 9th, 10th एंड इंटरमीडिएट के होते हैं 11th, 12th के स्टूडेंट्स, एंड ये थर्ड नंबर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट से ऊपर पढ़ाई करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको अपना वाला जो भी है चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या डाल देनी है जो कि आपके स्कॉलरशिप फॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या डाल देता हूँ। रजिस्ट्रेशन संख्या डालने के बाद आपको यहाँ पर जन्मतिथि अपनी डाल देनी है जो कि आपके फॉर्म में पड़ी हुई है, आधार से रिलेटेड होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों ये सब डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड भी डाल देना है। अगर दोस्तों आप लोगों को अपना पासवर्ड नहीं पता है तो आप लोग नीचे एक फॉरगॉट पासवर्ड का बटन देखने को मिल जाएगा, आप सिंपली वहाँ पर जाकर फॉरगॉट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, टारगेट फॉर पासवर्ड फॉरगॉट करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर अपना पासवर्ड फॉरगॉट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब करने के बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है। दोस्तों सबमिट करने के बाद आप लोग लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो दोस्तों आप लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस एरर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस टाइम अभी स्टेटस नहीं दिखा रहे हैं और स्टेटस नई न्यू ईयर पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों 1 तारीख के बाद से आपका स्टेटस दिखने लगेगा एंड आपकी स्कॉलरशिप भी आई होप 1 तारीख तक आ जाएगी। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, स्टेटस आपको चेक करना है तो अभी वो नहीं चेक हो पाएगा। अगर जैसे ही आपका स्टेटस चेक होने लगेगा तो दोस्तों मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग बेफिक्र रहिए एंड आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।